जनपद मुरादाबाद के बिलारी तहसील में शांति व्यवस्था कायम रखने के साथ साथ बिलारी पुलिस द्वारा एक फ्लैग मार्च का आयोजन कराया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील भी की गई। बिलारी पुलिस का ये कहना है कि कोरोना महामारी के खात्मे के लिए जनता अपना सहयोग करे, घरों में रहे और लॉकडाउन का पालन करे। बिलारी से विशाल की एक रिपोर्ट। लॉकडाउन का तीसरा चरण है। मैं पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में पुलिस विभाग द्वारा जनता से सहयोग की अपील की जा रही है। ऐसे में जनपद मुरादाबाद के बिलारी तहसील में शनिवार को कोतवाली से एक फ्लैग मार्च का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी पुलिस कर्मियों ने स्थानीय निवासियों को जागरूक करने का प्रयास किया कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सख्ती से नजर आया और पुलिस क्षेत्राधिकारी महेंद्र कुमार के साथ बाइकों से एक फ्लैग मार्च कस्बा बिलारी व देहात क्षेत्र से निकालकर जनता को लॉकडाउन के प्रति जागरूक किया और जनता से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। पुलिस क्षेत्राधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ल ने सभी लोगों से कहा कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें और इस लॉकडाउन में प्रशासन का पूरी तरह सहयोग करें। फ्लैग मार्च में कोतवाली प्रभारी गजेंद्र त्यागी, कस्बा चौकी प्रभारी महेश कुमार सिंह के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। देना चाहते हैं कि आप लॉकडाउन का अच्छे से अच्छे ढंग से पालन करें, घर से कम निकलें, जब अति आवश्यक हो तब निकलें, सामान्य जरूरतों के लिए मत निकले, जो परम आवश्यक जरूरतें हैं उनके लिए निकले। अच्छा सर, अपने खाने प्रभारी देश भी जनता के प्रति कि हम आपके साथ हैं हर जगह। सर, जनता के बीच जाकर के जो जरूरतों को सौदा कैसे पूरा किया जा रहा है? जैसे सब्जी वगैरह है, ठेलो वगैरह से भिजवाई जा रही है, बाकी सब ऑनलाइन हम लोगों ने नंबर सारे डाल रखे हैं, राशन के लिए भी, मेडिकल स्टोर में जाए, दवाओं आदि के लिए भी। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट स्तर से ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं शासन प्रशासन के द्वारा। थैंक यू सर। जिले की सीमाएं चारों तरफ हम लोगों ने सील कर रखी हैं, केवल पास वाली वाहन ही आ सकते हैं, बाकी अन्य वाहन को नहीं आने दिया जा रहा है। हाँ, माल वाहक वाहन उन पे छूट है, वो आ रही है। जैसे सर ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन का अभी भी पालन नहीं हो रहा है, तो उस पर पुलिस क्या सख्ती होती है? अब उन सब जगह जहाँ जहाँ नहीं, वहाँ जागरूकता हम जनता के माध्यम से, प्रधान जी लोगों के माध्यम से, स्वयं जाके जहाँ भी है उन्हें जागरूक किया जाए। आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग यही संदेश देते हैं, गांव के अंदर भी वो जागरूक हो, मास्क का प्रयोग करें, बाहरी व्यक्ति का प्रयोग हो सर, जनता से क्या वर्जित रखें सर, जनता से अपील क्या करनी चाहते हैं? जनता से यही अपील करना चाहते हैं, जिसे वो नहीं जानते हो उससे दूरी बना के रखें, घर से बाहर कम से कम निकलें। आप घर में रहें 15-20 दिन में ये सब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हर आदमी इसे ढंग से पालन कर ले तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको।